Hello, children. Today we will discuss all the exercises which are given in the end of this chapter, The Riddle of the Poem. So, uh, this video is going to be the eighth part of this chapter that is from your book, My English Garden. Now, children, without wasting time, quickly let's get started with the first exercise that is related to playing with words. So, in playing with words, we know, children, that we Enhance our vocabulary by getting involved such activities, right? So in इन uh, in सारी activities में जो कि playing with words से related होती हैं इन एक्सरसाइज को अगर हम करते हैं तो so उससे क्या होता है कि ग्रेजुअली हमारी जो विकैबलरी है जो शब्दावली है वो इन्हेंस करती है वो बेटर होती है स्ट्रॉन्ग होती है सो लेस सी वॉट इज़ आज इन ई एक्सरसाइज सो इन ए वॉट वी नीड टू डू वी नीड टू मेक आर ओन सेंटेंसेज यूजिंग द गिवन वर्ड्स जो कि नीचे दिए हुए हैं फाइव वर्ड्स हमें इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए फाइव सेंटेंसेज अपने हिसाब से बनाने हैं राइट सो लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स दो यू कैन डू योर सेल्फ गूगलिंग आई मीन गूगल करके आप कर सकते हो बाय यूजिंग इंटरनेट और यू कैन यूज़ डिक्शनरी एज़ वेल राइट सो इन द फस्ट नंबर द फर्स्ट वर्ड इज़ स्क्रॉल सो वी नो स्क्रॉल का मतलब क्या है चिल्ड्रेन सिंपली एक आपने एक्टिविटी करते हुए ख़ुद को देखा होगा कि मोबाइल में जब हम कुछ चीज़ देखने के लिए नो स्क्रीन को स्क्रीन को ऊपर करते हैं अप डाउन करते हैं नीचे की तरफ नो करने के लिए नीचे की तरफ ड्रैक करते हैं देट इज़ कॉल्ड स्क्रॉलिंग ऊपर नीचे करना किसी चीज़ को नॉ नंबर टू पेबल पेबल मीन्स स्मॉल स्टोन्स पत्थर होते हैं छोटे छोटे उनको हम पेबल बोलते हैं ना कल्परेट कल्परेट मीन्स वन हु कमिट्स क्राइम जो uh, वो इंसान जो कि क्राइम करता है अपराध करता है इज कंसीडर्ड एज कल्परेट ऐसे इंसान को अपराधी बोलते हैं लाइक like हम लोग क्रिमिनल बोलते हैं सो so, क्रिमिनल के जैसा ही वर्ड है कल्परेट एंड फोर्थ वर्ड इज़ कारवा कारवा विनो हमारी वर्ड मीनिंग में भी ये वर्ड दिया था दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का जो लोगों का ग्रुप हो सकता है इट कैन बी एन इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ़ एनिमल एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है राइट एंड नंबर फिफ्थ इज़ ट्रेजर ट्रेजर मीन्स खजाना फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों में पैसे रखने की जगह को हम तिजोरी कहते हैं राइट तो दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड ट्रेजर सो वो जगह या वो जिसमें बहुत सारा पैसा हो जेवर हो जोरा जोहरात हो आई मीन ज्वेलरी हो सो so उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर वर्ड है ट्रेजर राइट right? अब ए के बाद हम आते हैं बी एक्सरसाइज पे वॉट वी नीड टू डू हेयर चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू हैव सम समर्स विद देर मीनिंग यहाँ पर कुछ प्रोवर्ब्स हैं कहावते हैं जो कि उनकी मीनिंग्स के साथ दिए हुए हैं सो इन ए वी हैव प्रोवर्ब्स इन बी वी हैव द मीनिंग ऑफ मीनिंग्स ऑफ प्रोवर्ब्स कहावतों के जो मीनिंग्स हैं वो दिए हुए हैं सो लेट मी क्विकली डेली यू और रिमाइंड यू द मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब प्रोवर्व का मतलब कहावते होता है जो सालों साल से यूज़ होती आ रही हैं और लोगों का जिन पर विश्वास होता है राइट right? बहुत ही शॉर्ट होती हैं और कहीं ना कहीं इट कैन बी एन एडवाइस फॉर दी अदर्स टू इम्प्रूव देयर बिहेव टू इम्प्रूव देयर एक्टिविटीज़ एक तरीके की सलाह uh, होती है जो कि देते हैं लोग आपस में एक दूसरे को अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए या फिर अपने हरकतों को सुधारने के लिए राइट सो हियर फ्यू प्रोवर्ब्स आर गिवन लेट्स सी एंड क्विकली डिस्कस नंबर वन एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स यानी जो इंसान का काम होता है व्हाट एवर वी डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट वॉट वी से हम जो कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम जो करते हैं राइट सो वी शुड नॉट से ओनली द थिंग्स दैट आई विल डू दिस आई विल डू दैट वी शुड प्रूव इट बाय डूइंग हमें काम करके उसे प्रूव करना है ना कि सिर्फ बातों को ही करके लोगों से राइट सो वॉट एवर वी डू दैट इज़ मोर लाउडर मोर लाउड देन द वर्ड्स वी स्पीक उन शब्दों से ज़्यादा पावरफुल हमारे काम होते हैं जो कि हम अपने द्वारा करते हैं राइट तो हमें बोलने में नहीं हमें करनी में बिलीव करना चाहिए अब इफ़ यू सी द मीनिंग सो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ यू सी नंबर सी पीपल शो मोर अबाउट देम देन देयर वर्ड्स यानी जो लोगों का काम होता है वो ज़्यादा दिखता है एज़ कंपेयर टू देयर वर्ड्स जितना कि उनके शब्द तो यानी हमें शब्दों को तो सही uh, शब्दों को तो बोलना ही चाहिए बट शब्दों से ज़्यादा हमें अपने कामों से लोगों को दिखाना चाहिए नंबर टू यू स्क्रैच माई बैग आई विल स्क्रैच योर्स इट मीन्स अब से चिल्ड्रन यहाँ पर लिखा हुआ इफ़ यू लिटरली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन सो यू मे बी uh, getting this that uh, you scratch my back it means scratch का मतलब खुजली करना होता है तो तुम मेरी खुज तुम मेरी पीठ में खुजली कर दो मैं तुम्हारी पीठ में खुजली कर दूँगा right so this is not the actual meaning of this line that means इस line का मतलब क्या है that you help me I will help you right so if you see here इफ़ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू राइट अब यहाँ पर एक्जैक्टली exactly वही लिखा हो जो मैंने बोला तो so, जो आप अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो हेल्प हमें कब चाहिए होती जबकि हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या फिर हम किसी uh, काम को नहीं कर पाते हैं देन वी वॉन्ट समवन टू डू आर वर्क और टू हेल्प अस डू दैट वर्क ठीक है तो यहाँ पर नंबर टू इज़ गोइंग टू मैच विद नंबर डी नाउ नंबर comes honesty is the best policy now children honesty imandari ईमानदारी been बीन uh, proven to be a best policy हम कहते हैं कि ईमानदार जो होता है ईमानदारी सबसे बड़ी नीति होती है जो ईमानदारी को follow करता है वही असली नो uh, no, uh, कह सकते हैं सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है और हम सभी को ऑनेस्टी फॉलो करनी चाहिए वी शुड ऑलवेज में नॉ ऑनेस्ट हमें ईमानदार रहना चाहिए ठीक है ना नंबर थ्री इज गोइंग टू मैच विद नंबर बी आई मीन अल्फ़ाबेट जो बी है इट्स बेस्ट टू टेल द ट्रूथ यानी हमें किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलना चाहिए uh, डिसऑनेस्टी का सहारा नहीं लेना चाहिए किसी भी कीमत पर सो दिस इज़ वॉट दिस टेल्स अस ना नंबर फोर नंबर फोर हाफ अ लोफ इज़ बेटर देन नो ब्रेड यानी uh, रोटी का मतलब कुछ ना मिलने से यही अच्छा है कि कुछ मिल जाए ठीक है सो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग ये भी इज इट इट इज़ इक्वल टू दैट वर्ड जो अभी मैंने बताया हाफ अ लोफ इज़ बेटर देन नो ब्रेड सो इसका मतलब है कि कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ हमें मिल जाए अब इसका इफ वी मैच दिस वन विद वी मे फाइंड इट दैट वन मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वॉड वन हैज़ रादर दैन क्राइंग अबाउट वॉट वन डजन हैव यानी हम हमें उसी चीज़ से खुश हो जाना चाहिए जो कि हमारे पास है राइट right. हमें ऐसा नहीं अगर हमारे पास कुछ पैसा है तो हम ये सोच सोच कर परेशान रहें कि हमारे पास कुछ पैसा है हमें उतने ही पैसे को पैसे के साथ में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए और हम उसमें रह सकते हैं लेकिन हम क्या करते हैं हम और और पाने के चक्कर में हम जो है हमारे पास उसको भी खो देते हैं तो वट एवर वी हैव और वॉट एवर वी आर गिवन विद द बाय द गॉड वी शुड ऑलवेज़ बी हैप्पी आप ये भी कह सकते हो हमें उसका एहसान मानना चाहिए और हमें उन लिमिटेड सोर्सेस के साथ अपनी लाइफ को इन्जॉय करना चाहिए खुश रहना चाहिए हमें ये सोच कर नहीं दुखी होना चाहिए उनके पास ये है हमारे पास ये नहीं है राइट right? तो जो भी है उसमें खुश रहना चाहिए वरना वो भी यहाँ से निकल जाएगा ना द लास्ट इज़ बर्ड्स ऑफ वेदर फ्लॉक टुगेदर इट मीन्स पीपल विद सिमिलर क्वालिटीज़ लाइक टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर यानी जो लोग एक जैसे दिमाग के होते हैं एक जैसे बिहेवियर के लोग होते हैं उनके काम उनका रहने का ढंग सब एक जैसा होता है तो वो, वो क्या करते हैं वो अपने ही जैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें अच्छा लगता है यानी एक जैसे लोग हमेशा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना करने में उनको अच्छा लगता है राइट सो so, अगर सपोज़ uh, uh, if you are a studious and you study uh, you study targeting your aim आप अपनी पढ़ाई अपने target को focus करके कर रहे हो so you would like the people or the students who are like you जो कि आपके जैसे हैं right आप उनके साथ उठना बैठना पसंद करोगे उनसे बात करना पसंद करोगे so the same proverb will be followed birds of a feather flock together ना विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज चिल्ड्रन इन दिस एक्सरसाइज वे गोइंग टू हैव द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एडवर्स एडवर्स पर बेस है वी नो एडवर्स क्या होते हैं ना चिल्ड्रन एडवर्व को समझने के लिए जल्दी से मैं एक आपको रिवाइज करा दूँ ना चिल्ड्रन आपको याद होगा एडवर्व तीन चीज़ों को डिस्कस करता है यहीं से मैं ले लेती हूँ एडवर्व डिस्कसेज

हाउ टॉक अबाउट मैनर एंड वेयर टॉक्स अबाउट प्लेस ठीक है तो जहाँ पर अब तीन टाइप हमने थ्री टाइप्स के एडवर्व पढ़े थे जो एक टाइम को डिस्कस करता है एक मैनर को एक प्लेस को यानी वेन हाउ एंड वेयर अब अगर हम पहला सेंटेंस अब हमें फाइंड आउट करना है कि किस टाइप का किस प्रकार का एडवर्ब है तो अगर हम पहला सेंटेंस देखें आई सॉ अ कार इन द मॉल अब चिल्ड्रन जो क्रिया है वो जो क्रिया हो रही है वो क्या बता रही है कि मैंने एक कार देखा अब चिल्ड्रन कार कहाँ पर है इन द मॉल अब कहाँ कहाँ का मतलब है ये कौन सी यस, सो कहाँ अब कहाँ का मतलब है कि किस जगह की, की बात हो रही है वेयर की बात हो रही है ठीक है तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे प्लेस एडवर्व राइट प्लेस एड हम लिख सकते हैं इसको देन द डॉक्टर्स द सॉरी द एक्टर्स एक्टेड वेल अब इट इज़ टॉकिंग अबाउट द मैनर किसी ने काम बहुत अच्छा किया ठीक है कैसा काम किया बहुत अच्छा काम करा है इट मीन्स ये हाउ की बात कर रहा है मैनर की बात कर रहा है तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा मैनर एडवर्व या हा मैनर एडवरव फिर है द शेफ़ कुट नाइट अब शेफ़ कब बनाता है खाना अब कब बताता है कब बनाता है खाना इट इज़ नाउ कब जब भी बात करेगा तो कब की बात क्या होगी यानी वो टाइम के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम एडवर्व ठीक है फिर आता है माई ब्रदर सॉ मी एट होम अगेन मेरे ब्रदर ब्रदर ने मुझे कहाँ देखा घर पर तो कहाँ की क्वेश्चन क्या रहा कहाँ यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लेस एडवर्व फिर है माई फ्रेंड प्लेस द वायलिन एफर्टलेसली राइट सो वायलिन प्ले कर रहा है कैसे कर रहा है एफर्टलेसली बिना किसी ताकत के वायलिन प्ले कर रहा है यानी यहाँ पर किसी के काम करने के तरीके को बताया जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैनर एडवर्व फिर है द टीचर विल कम टू स्कूल इन द मॉर्निंग अब टीचर विल कम टू स्कूल इन द मॉर्निंग तो चिल्ड्रेन यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर जो बात हो रही है उसमें स्कूल की बात भी हो रही है और समय की भी बात हो रही है ठीक है तो नंबर सिक्स में दो एडवर्ब होंगे एक होगा प्लेस एडवर्ब जिसमें बात हो रही है स्कूल की काम कहाँ पर होने जा रहा है स्कूल को बता रहा है और फिर दूसरी बात जो हो रही है वो इन द मॉर्निंग यानी टाइम की बात हो रही है तो कब का टाइम है मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पर दोनों एडवर्ब्स होंगे एक साथ यूज हो रहे हैं वन इज टाइम एडवर्ब द अदर इज प्लेस एडवर्ब नाउ कम्स नंबर सेवन द स्टूडेंट्स विल हैंड इन देयर होमवर्क इन द क्लास रूम ना वो अपना जो स्टूडेंट्स uh, अपना काम कहाँ पर सौंपेंगे अपना होमवर्क कहाँ पर दिखाएंगे क्लास रूम में अगेन कहाँ के लिए यानी प्लेस की बात हो रही है तो दिस इज प्लेस एडवर्व नाओ सी नंबर एट ऑल द बर्ड्स फ्लू ग्रेसफुली यानी सारी जो चिड़ियाँ हैं बहुत ही ग्रेसफुली बहुत शानदार तरीके से उड़ रही हैं तो उनका काम करने का उड़ना उनका उड़ने का तरीका कैसा हैट इज़ ग्रेसफुली सो ये अगेन कैसा काम जब भी मैनर की बात होगी कैसे काम को करने की बात होगी तो यह काम का जो प्रोसेस वो कैसे पूछा जा रहा है उसमें उसका आंसर मिल रहा है तो हम समझ जाना हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर हाउ या फिर मैनर एडवर यूज़ होगा नाउ नंबर नाइन द गार्डनर वॉटर द प्लांट थॉरली अब काम उसका कैसा थॉरली बहुत अच्छे से वो गार्डनिंग सॉरी जो गार्डनर है वो पानी बहुत अच्छे से डाल रहा है ठीक है तो यहाँ पर फिर से काम करने का तरीका उसका कैसा थॉरली है राइट सो अगेन इसमें क्या हो गया मैनर एडवर्व हो जाएगा एंड द लास्ट इज द वर्क्स इन माई हाउस काम कहाँ करता है अगेन वेयर वेयर का आंसर क्या है प्लेस की बात हो रही है तो यहां पर क्या हो जाएगा वेयर इट मीन्स प्लेस एडवर्व राइट चिल्ड्रन डोंट वरी अबाउट दिस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन In one of the classes, but if you have still any doubt left regarding adverb or any other thing, please ask me and get your doubts cleared as soon as possible, right? Because अगर हम अपनी जो क्लास चल रही है उसके doubts हम आज नहीं पूछेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, then कब पढ़ेंगे? Because we don't know about the future, future में सारा syllabus change हो जाना है और इसे आगे की चीज़ें आनी है और उसके लिए हमें पुरानी चीज़ें बेस हमें अपना स्ट्रोंग करना होगा सो फॉर दैट यू नीड टू कीप रिवाइजिंग एवरी थिंग इन बिटवीन इफ यू गेट इ स्ट यू शुड आस्क यीचर्स टू क्लियर योर डाउट राइट चिल्ड्रेन सो सेंग दिस आई वुड से थैंक यू बाय एंड टेक केयर